चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, बस बस उड़ती है? नहीं। हाँ नहीं उड़ती है ना, तो मैं जीत गया। अब ये लॉलीपॉप मेरा। नहीं मेरा। मेरा हाँ, अब गेम मैं जीता तो इसे मैं खाऊंगा। नहीं मैं। अरे मैं खाऊंगा, हार गई ना। लॉलीपॉप बच्चे खाते, बड़े नहीं। तो मैं भी तो बच्चा हूँ, अपनी दादी का बच्चा हूँ, भी अच्छा बच्चा, इसे मैं खाऊंगा। इन्हें बच्चे कितने अच्छे लगते, बच्चों के साथ खुद भी बच्चे ही बन जाते, काश हमारा भी। ओके। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम यही सोच रही हो ना कि परी की तरह तुम्हारा भी एक प्यारा सा बच्चा हो? वो बच्चा मेरे साथ हो, यही सोच रहा हूं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दादी, हाय हाय मिताली। क्या बात है भाभी, ऐसे लग रहा है जैसे बर्थडे आज आपका ही है। हाँ, विश कर दे। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वो पर तेरा बर्थडे बॉय कितने आए? अरे दादी आप टेंशन क्यों ले रही है, वो आता ही होगा। अरे दादी आप लोग जाइए, मिसेस आलू वाले आपका इंतजार कर रहे हैं, कब से खड़ी हुई है वहाँ पर। आलू वाले। वो बली का बकरा कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे आ जाएगा, तू क्यों टेंशन ले रहा? देख और से ज्यादा बेचैन वो है इस पार्टी में आने के लिए, टेंशन मतलब आता ही होगा। हाँ वो तो है। हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो देख आ गया, देख कैसे आया, फुल ऑन तैयार होके। जैसे हलाल होने से पहले बकरे को नहीं सजाया जाता है? एक काम करते हैं, हम भी जाके इसे सजाते हैं। आई मीन थोड़ा हवा देते हैं, थोड़ा हवा देंगे ना तो खुश हो जाएगा। चल चल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। मैं तो कर रहा था इसकी जगह कैक्टस लेकर आऊं, बट अगर उसके बाद अभी को देख लिया तो अपने आपको रोक लिया। अरे यार आज के लिए तेरे लिए ये फूल। अरे तू तो मेरा सबसे पुराना दोस्त है, तेरे हाथ से तो कांटे भी ले लूंगा। रामलाल, निखिल, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलाना चाहता हूँ। मिस्टर भट्ट, मिस्टर सक्सेना, मिस्टर निखिल। हाय, हैप्पी बर्थडे। मेरी अगली एल्बम ना मैं इनकी कंपनी के साथ कर रहा हूँ। ही इज रियली स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। हाँ हाँ मिलिए, बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब इनकी इंटेलिजेंस की तो दांत देनी पड़ेगी। और इनका दिमाग तो ये बहुत चला था। क्यों निखिल? वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सुना है। अरे भाई आपकी तारीफ, अभी भाई के मुंह से कोई तो स्पेशल बात है। अरे ये तो इन रॉकस्टार साहब का बड़ा पन, पर हम तो अपना काम करते रहते हैं, किसी को इंटेलिजेंट लगता है, किसी को कोई सीखना चाहता है। मॉडेस्टी है। अरे फैमिली, निखिल है, बर्थडे विश नहीं करोगे? अरे बस हैप्पी बर्थडे। क्यों, हम इसे खिला पिला तो लेंगे, पर इसे हलाल कैसे करना है? वाई फेयर योर ब्रदर इज है ना, देख इसे हलाल करने के लिए ना मेरे पास प्रॉपर प्लान है। यार तू जलेबी की तरह गोल गोल मत बोल, सीधे बता। सीधा सुनना चाहते हैं तो सुन, मैंने एक डिटेक्टिव को हायर किया चंपक का पता लगाने के। चंपक का पता लगाएगा तो पता चल जाएगा निखिल और चंपक के बीच में कनेक्शन क्या, कनेक्शन पता चल गया तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व ना। चल मेरे साथ। थैंक यू, बस इमोशनल जॉब प्लीज यार, और थैंक यू मत बोल। अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं बोलूंगी, लेकिन शीला तू नहीं जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। उस तनु को देखती हूँ तो लगता है जैसे औरत ही औरत की दुश्मन होती, लेकिन तू मुझे देख के ऐसा लगता है कि औरत ही औरत की मदद कर सकती।
श्रीला, उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में कोई नहीं है. मेरी मेरी सारी खुशी उनसे, और उन्हें पाने के लिए जो लड़ाई मैं लड़ रही थी उसे तू तू जीत की दहलीज तक ले आई. उसे मैं नहीं, तू लाई है. तेरा और अभी का प्यार भरोसा लाया है, और इसे ही तो कहते हैं लाइफ पार्टनर, जो जिंदगी पर साथ रहे, सपोर्ट करे. शीला, वो रिपोर्ट. एक मिनट. ये ले तेरी अमानत. इला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सबूत मेरे हाथ में. मतलब तनु तनु का झूठ सबके सामने आ जाएगा. हाँ, पर इसमें निखिल का डीएनए का रिपोर्ट नहीं है. इसे ये प्रूव नहीं होता कि तनु का बच्चा निखिल का है. और जो सैंपल मुझे पूरब ने ला के दिया था निखिल के बालों का, वो च्युइंगम से इतनी बुरी तरह खराब हो चुका था कि उसे कुछ प्रूफ ही नहीं हो पाया. कोई बात नहीं शीला, ये काफी है. इस वक्त तो यही साबित करना काफी होगा कि तनु का बच्चा इनका नहीं है. मैं चलती हूँ. चल, बाय, टेक केयर. भैया जल्दी चलो. सब वेट कर रहे होंगे ना. फोन करके मैं खुद बता देती हूँ कि रिपोर्ट मिल गई. पूरा प्रज्ञा का कोई फोन आया. आती, आप क्यों टेंशन ले रही है? दी आ जाएंगी. ये लो, आप उनका नाम ले रही थी और उनका फोन ही आके. हेलो दीप, कहाँ हो, कब तक आ रहे हो? रिपोर्ट मिल गई है, मैं बस घर ही आ रही हूँ. क्या कहा आपने? काम हो गया? मत आई कांट बिलीव दिस. फाइनली दीप, जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे. फाइनली वी डन इट, वी डन इट. पूरा काम अभी हुआ नहीं है. पूरा मैं घर आती हूँ, फिर इस कहानी का दी एंड प्लान करते. दिया प्लीज जल्दी से आइए, अब हमसे और वेट नहीं हो रहा. प्लीज जल्दी आइए. हाँ पूरब, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश कर रही हूँ. ओके दी, ठीक है. भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है, बस आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहे. दादी जी आप? बस अभी सोच रहा था कि इस पार्टी में सबके विशेष मिल गए, बस बस आपका आशीर्वाद नहीं मिला. दादी दादी प्लीज, जिस तरह अभी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाए. अब क्या बोलूं, ये तो बेटा सब ऊपर वाले के हाथ में है, है ना. मैं तो बस इतना ही कहूंगी तुझे कि इंसान को ऐसी इच्छाएं रखनी ही नहीं चाहिए जिसे ऊपर वाला पूरी ना कर पाए. जैसे कि गंजा अगर चाहे कि उसको रातों रात एक लंबे लंबे बाल मिल जाए, तो ये हो तो नहीं सकता ना, है ना. तूने जंग जीत ली है बेटा. दादी मुझे दिखाइए ना प्लीज. ये वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची पर मेहर करना. दी, दी ये तो सॉलिड प्रूफ है, इसे तो कोई भी डिनाई नहीं कर पाएगा. भाभी तूने प्रूफ करके दिखा दिया कि जिसके माथे में कुमकुम और गले में मंगलसूत्र होता है, पत्नी का हक भी उसी को मिलता है. शाबाश मेरी बच्ची, आज तेरी जीत हुई है, तेरी मेहनत का तुझे फल मिला है. एक बार अभी ये फाइल देख लेगा ना तो तनु उसकी नजरों में गिर जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से उसे बॉयकॉट भी कर देगा. इसे बॉयकॉट करने की बात चल रही है. किसे? तू 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 वो सब छोड़, तू बता तू तू यहाँ क्या कर रहा है? कोई काम था? मैं यहाँ पर परमिशन लेने आया. किसे किसे परमिशन लेनी है? वही अपनी लाल दुपट्टे वाली. लाल दु... ओह ऑफ कोर्स, आजा. hey, अच्छी लग रही हूँ. मे आई डांस विद यू? हाय हाय, क्या हुआ? आग लगी है. देख तू चाहे कितना भी
चल भुन, कितने भी तिकड़म लगा ले, कितने भी चप्पू बुला ले, लेकिन बेटा तू जीत नहीं सकती, तेरी किस्मत में हार ही लिखी है। अब तू देख, खुद ही देख ले, अभी और प्रज्ञा डांस करते कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बने हैं। दादी ऐसे तो सूरज और चांद भी एक दूसरे के लिए बने, पर क्या वो एक साथ रह सकते? नहीं ना, एक जाता है तभी दूसरा आता है, और अगर गलती से एक दूसरे को देख भी लिया तो सूरज को ग्रहण लग जाता है, वो भी चांद का। मैं अभी के बच्चे की माँ बनने वाली, तो अभी को मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अगर उसने दूर जाने की कोशिश भी की ना, तो मेरा बच्चा उसे अपनी तरफ खींच लाएगा, यानी कि मेरी तरफ। तो अब आप अभी को प्रज्ञा के साथ डांस करवाओ या तांडव, अभी मेरा था और मेरा ही रहेगा। वो क्या है ना, बर्फ जो होती है ना वो पानी से ही बनती है, पर बर्फ को पानी में डालो तो पिघल जाती है, उसकी किस्मत में बस पानी में पिघलना ही रखा है। कल से तो सब कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? वही तो मैं बताने जा रही थी, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे बताने से तुम्हें डर लग रहा है? मुझे किस बात का डर? सच्चाई के सामने आने का। कौन सी सच्चाई? ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। इनफैक्ट तुम तो ये भी जानती हो कि मैं बताने क्या वाली। प्रज्ञा तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी स्पीच लिखी हो। स्पीच नहीं, तुम्हें ऐसा लगा था कि कुछ दिनों के लिए तुम मेरी किस्मत लिख रही। लेकिन कल से सब बदलने वाला, मेरी किस्मत भी और मेरी दुनिया भी। ये प्रज्ञा क्या बोली जा रही? तू बस सुनता रही, अजय जो भी बोलेगी ना उसके बाद तेरी आंखों से सारी पट्टी खुल जाएगी। सारी बात सुनने के लिए कान खोलने की जरूरत पड़ती है ना? आंख दो मिनट के लिए चुप होके बात सुन ले, पर प्लीज। मैं जानती हूँ आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये बात बताने के लिए मैंने ये जगह और यही वक्त क्यों चुना। और जब आप सबको सच्चाई पता चलेगी तो आप जाहिर सी बात है मुझसे ये सवाल भी करेंगे कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं बताई। दरअसल बात ये है कि ये सच्चाई जब मुझे पता चली तो इसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, और जैसे ही मेरे पास सबूत आया मैं यहाँ चली आई सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए। एक ऐसे इंसान की असलियत बताना चाहती हूँ जो दोस्त के भेस में इस घर का सबसे बड़ा दुश्मन। आप लोगों को उसे अपने आसपास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, वो इंसान और कोई नहीं बल्कि तनु है। घर में मेहमान बनकर आई थी लेकिन बहू बनने के सपने देखने लगी, क्योंकि वो चाहती थी कि इस घर की बहू बनकर इस घर की पूरी जायदाद पर अपना हक जताए। बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बारे में ऐसी बात करने की? और जो तुम मेरे बारे में बोल रही हो ना, वो सब कुछ तो तुमने किया है। इस घर की बहू बन के आई और धोखे से सारी जायदाद अपने नाम कर दी। तुमने जो किया और मैंने जो किया उसमें फर्क है, नीयत का फर्क है। मैंने जो कुछ भी किया अच्छे नियत से किया, और तुम्हारी नियत जस्ट शट अप, यू शट अप। जब से इस घर में आई हूँ तुम्हारी हर बकवास सुनती आई हूँ मैं, तुम्हारे हर इल्जाम सहती आई हूँ, यहाँ तक कि अपनी माँ का अपमान भी सहा है मैंने। उस वक्त मैं मजबूर थी तनु, अब नहीं, इसलिए तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। आप सब इतने महीनों से तनु का ख्याल रख रहे थे, उसकी खुशी का ख्याल रख रहे थे, ताकि ये अच्छी भली रहे, तंदुरुस्त रहे, कंफर्टेबली अपने बच्चे को पैदा कर सके, क्योंकि आप सबको लगता है कि इसका बच्चा मेहरा परिवार का वंश आगे बढ़ाएगा। हाँ तनु माँ तो बनने वाली है, लेकिन वो बच्चा मेहरा परिवार का नहीं, वो बच्चा इनका नहीं।
ये सब क्या है प्रज्ञा, क्यों क्यों कर रही हो ये सब? जब मैं खुद जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा है तो क्यों बोल रही हो तुम? आप इसकी बात इसलिए मान रहे हैं कि ये ऐसा कह रही है? ये हर रोज आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे पता नहीं आप क्या गलत कर रहे हैं। इतना गिल्टी फील कराती है कि आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो। And I understand, क्योंकि मैं खुद इसकी बातों में आ गई थी, मैंने खुद आपसे कहा इससे शादी करने के लिए। लेकिन जैसे मुझे सच्चाई का पता चला, मैं वापस आई इस शादी को रोकने के लिए। कि मैं आपको सच नहीं बता पाई क्योंकि मुझे पता था आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। लेकिन तो मैं अभी नहीं कर रहा। क्योंकि तुम जो बोल रही हो वो बहुत बड़ी बात है। हाँ अभी पूछो इससे कि ऐसा क्यों कर रही है। अभी कोई भी इतनी बड़ी बात बोलने से पहले सबूत की जरूरत होती है। इससे पूछो किसके पास कोई ऐसा सबूत है जो ये साबित कर सके कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। पूछो इससे। अभी है मेरे पास सबूत। आकाश प्लीज तुम वो फाइल लेकर आओ। DNA रिपोर्ट्स जो ये साफ साफ साबित करती हैं कि इस बच्चे का DNA इनके DNA से मैच नहीं करता। बड़ी बात तुम ऐसे ही कैसे बोल सकती हो? तुम इस कंक्लूजन पर पहुंची कैसे? और ये रिपोर्ट, ये DNA, ये सब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि वो बच्चा आपका नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है और इससे सिर्फ तनु की ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी पर भी असर होगा। लेकिन मुझे ये सब मंजूर है। मैं बस आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपको ऐसे गिल्टी फील करते हुए नहीं देख सकती। प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। वो बच्चा आपका नहीं है। सिर्फ आपसे झूठ बोलती आई क्या? लेकिन तनु जो बोल रही हूँ, मैं समझ ली कि ये सब मान लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हारे बच्चे के DNA सैंपल्स डॉक्टर ने तभी कलेक्ट कर लिए थे जब तुम हॉस्पिटल में बेहोश थी। और इनके DNA सैंपल्स वो तो इन्होंने खुद दिए जब मैं इन्हें इंश्योरेंस टेस्ट के बहाने हॉस्पिटल लेकर गई थी। देखा अभी, इसने अभी कहा कि वो सब कुछ एक नाटक था। इसने तुमसे झूठ बोला अभी। हाँ झूठ बोला है मैंने, और मैं मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला। लेकिन तनु तुम्हारे और मेरे झूठ में जमीन आसमान का फर्क है। तुमने झूठ अपने फायदे के लिए बोला और मैंने झूठ इनकी भलाई के लिए बोला। और अगर इनकी भलाई के लिए मुझे कुछ कसमें, कुछ वादे, कुछ रूल्स तोड़ने पड़ते हैं तो मुझे उसका अफसोस नहीं है। और मैं मानती हूँ ना सबके सामने कि मैंने झूठ बोला। तुम मान लो सबके सामने कि तुम झूठ बोल रही हो। अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुम अपना झूठ मानो या ना मानो, लेकिन तुम पकड़ी गई हो, वो भी सबूत के साथ। और तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमारे बीच तय हुआ था कि हम में से जो जीत जाएगा ना वो इस घर में रह जाएगा, जो हार जाएगा वो खुद इस घर को छोड़कर चला जाएगा। मैं जीत गई हूँ, तुम हार गई हो। तुम अपना झूठ मानो या ना मानो तब, लेकिन तुम पकड़ी गई हो, वो भी सबूत के साथ। और तुम्हें याद ना हो तो मैं याद दिला देती हूँ कि हमारे बीच तय हुआ था कि हम में से जो जीत जाएगा ना वो इस घर में रह जाएगा, जो हार जाएगा वो खुद इस घर को छोड़कर चला जाएगा।
मैं जीत गई हूँ, तुम हार गई हो। ये अगर चुप रही तो मेरा जन्मदिन मेरा मरण दिन बन जाएगा। बोलो तनु, कुछ तो बोलो। तनु की आवाज को क्या हुआ? जैसे मुंह में दही जम गया हो, नहीं तो उसे तोते की तरफ पटर पटर बोलती रहती। अभी देखो, अरे बेवकूफ, उसकी आवाज को कुछ नहीं हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। अब कुछ नहीं बोलोगी? आज नहीं दोगी कोई नया चैलेंज, कोई नया जवाब? कहां गई तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? फीका है तुम्हारा कुमकुम, कमजोर है तुम्हारा मंगलसूत्र। किस काम की है तुम्हारी शादी? जिन चीजों का तुम आज तक मजाक उड़ाती आई हो ना, ये उसी कुमकुम और मंगलसूत्र की ताकत है कि मैंने हार नहीं मानी। और तुम्हारे और मेरे बीच में उसी कुमकुम का फर्क है। तनु, क्या हुआ? तनु 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 तनु, अरे प्रेग्नेंट है यार, दो बार गिर चुकी है। और कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बर्थडे पर कुछ अनाप शनाप हो जाए यार। कोई कुछ करता क्यों नहीं यार? मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ बंद करो ये अपना नाटक। जब कभी तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आने वाली होती है, या तो गिर जाती हो या बेहोश हो जाती हो। बंद करो अपनी प्रेगनेंसी का इस्तेमाल करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये हालत देखकर लोग तुम्हारे पास भागे आएंगे, तुम पर दया दिखाएंगे? बट आई एम सॉरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, कोई तुम पर दया नहीं दिखाए। अब उठो, उठो और सबके सामने बोलो कि तुमने इन्हें धोखा दिया। तुमने उस बच्चे को इनका नाम देने की कोशिश की, जो बच्चा इनका है ही नहीं। तनु, आई सेड गेट अप। तकिया कभी नहीं दिखा रही, मुझे झूठा साबित करने आई थी ना। अब ये सबूत मैं प्रज्ञा के मुंह पे मारूंगी ताकि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। आई होप ये तनु कोई सॉलिड प्रूफ ले आए, कोई फालतू की चीज उठा के ले आई तो हमें कोई बचा नहीं पाएगा। बेकार के हाथ पांव मार रही है। इस डीएनए रिपोर्ट के आगे तो तनु की कोई चाल कोई सबूत कुछ काम नहीं आएगा। आज अभी और दी को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जाके मेरी बुलबुल का सपना भी पूरा हो जाएगा। चोट की वजह से वक्त लग गया या ये झूठे सबूत बनाने में वक्त लग गया, या फिर कहीं तुम अपना सामान तो नहीं पैक कर रही थी? तुम्हें अपने सामान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कि जब तुम इस घर से जाओगी ना, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा सामान पैक करूंगी, इसलिए अपने सामान की चिंता मत करो। आखिर मैं ही तुम्हें इस घर में लेकर आई थी, तो तुम्हें इस घर से वापस बाहर भेजने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। लेने तुम्हें सबूत ही गई थी, पर तुम मेरे सामान की नहीं अपने सामान की चिंता कर, क्योंकि अब जब मैं दिखाने वाली हूं ना, उसके बाद अभी तुम्हें सामान लेने का भी टाइम नहीं देगा और इस घर से धक्की मार के बाहर निकालेगा। अभी ये है डीएनए की असली रिपोर्ट जो कि मेरे पास है। इसमें साफ साफ और बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि मेरे पेट में जो बच्चा है
वो तुम्हारा अंश है। ये मारा लास्ट बॉल पे सिक्स। मैं तनु को फ्लॉप प्लेयर समझ रहा था, पर ये तो मैन ऑफ द मैच निकली। तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाकर कोई फेक डीएनए रिपोर्ट्स लेकर मुझे झूठा नहीं साबित कर सकते। ऐसे फेक और बोगस रिपोर्ट तो कोई भी बना सकता नहीं था। ये तो बात तो मैं तुमसे भी कह सकती हूँ कि फेक रिपोर्ट तो तुम भी बना सकती हो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने जो ये रिपोर्ट बनवाई है वो किसी अच्छे डॉक्टर से बनवाई है या किसी झोला छाप डॉक्टर जो डुप्लीकेट रिपोर्ट बनाता है उससे बनवाई है? बकवास बंद करो तुम। ये रिपोर्ट मैंने डॉक्टर शीला रुघानी से बनवाई, जो इस शहर की सबसे रेप्यूटेड डॉक्टर। तो मेरी भी रिपोर्ट उसी डॉक्टर ने, शीला रुघानी ने बनाई है। और जैसा कि तुमने कहा, वो इस सिटी की सबसे रेप्यूटेड डॉक्टर है, राइट? और अभी ये रिपोर्ट सेम डे सेम सैंपल के साथ बनाई गई है। प्रज्ञा जिस डॉक्टर की बात कर रही है, डॉक्टर शीला रुघानी, उसी ने ये रिपोर्ट बनाई। पूरब, तुम यहाँ इतनी रात को? डॉक्टर शीला, आपको अभी से वक्त मेरे साथ अभी के घर चलना होगा। अम्मी के घर? पर क्यों? बात क्या है? प्रज्ञा ठीक तो है? क्या दी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो दी को रिपोर्ट्स दी थी तनु की, जिससे तनु को हम एक्सपोज करने वाले थे, वैसी ही कुछ रिपोर्ट्स तनु के पास भी, और उसमें ये क्लेम हो रहा है कि तनु के पेट में जो बच्चा है वो अभी गायब। ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली, तभी तो मैं आपके पास है। और तनु तो ये क्लेम कर रही है कि उसने ये रिपोर्ट्स आपसे ही करवाई, उसने अपने टेस्ट भी आपसे करवाए, इनफैक्ट उसके डॉक्यूमेंट्स में आपका सिग्नेचर भी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है। आपको मेरे साथ चलो, आप ही बता सकती है कि कौन सी रिपोर्ट्स नकली और कौन सी असली। चलो मैं चलने को तैयार हूँ। आई थिंक अगर मैं वहाँ होती तो तनु ये सब कर ही नहीं पाती। बट डोंट वरी, मैं अभी चल के तनु को सबके सामने एक्सपोज करती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, एक मिनट। थैंक यू। तनु, तुम्हारी ये चाल थोड़ी देर के लिए अभी और दी को दूर कर सकती है, बट हमेशा के लिए। बस अब एक बार डॉक्टर के आते ही तुम्हारा झूठ सबके सामने आ जाएगा, फिर तुम हमेशा के लिए अभी की लाइफ और उसके घर से आउट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरब उस डॉक्टर को लेके आया तो शायद गेम पलट सकती है। इससे पहले कि ये पूरब वापस आए और डॉक्टर तनु की रिपोर्ट झूठी साबित कर दे, तू यहां से चुपचाप निकल ले। आकाश, डोंट वरी बाबी, निकल। तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक्चुअली आप लोगों का फैमिली मैटर है, इट्स अ पर्सनल मैटर, तो मुझे लगा कि मुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। अभी यार मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ और आई एम नॉट बीइंग एबल टू हेल्प यू, सो मुझे घर जाना चाहिए यार। आई थिंक आई शुड बी लीविंग इट। मैं निकलता हूँ। निखिल, निखिल, मैं जानता हूँ तुम फैमिली नहीं हो, पर दोस्त हो ना। चाहे इतना सब कुछ देख लिया, आप थोड़ा और टॉलरेट कर लो, हो सकता है तुम किसी काम आ जाओ। यार ये तो अभी ने ही रोक लिया, ये मुझे हलाल करके ही छोड़ेगा, अब क्या बहाना बनाओ। लगता है इस डूबती कश्ती के साथ ही डूबना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है, जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे भागने लगते। थोड़ी देर पहले तक तो बहुत खुश था कि अभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पर जब कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई देखी, ये डरपोक डूम दबा के भाग रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।